दोनों क्वेश्चन को निपटाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े इसको। चलिए देखिए, देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन, पीछे निकल जाना, अब इतना लेट क्यों आता है भाई तू। From the top of a building 15 meter high, the angle of elevation of the top of a tower is found to be 30 degree. From the bottom of the same building, the angle of elevation of the top of a tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and the distance between the tower and the building. बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो तरह की फिगर है, एक है यहाँ पर बिल्डिंग और एक है यहाँ पे टावर। अब तुमको बस क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाना है कि यार कहां से किसको देखा जा रहा है, टावर से बिल्डिंग देख रहे, बिल्डिंग से टावर देख रहे, बस ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए ना आपको पहले के कुछ वर्ड देख के पता लग जाएगा। कह रहे कि यार एक बिल्डिंग के टॉप से देख रहे हैं और जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं ना वो 15 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 15 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो ये रहा तुम्हारा ग्राउंड, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो बच्चों ये रहा ग्राउंड और ये रहा वो बिल्डिंग, सबको दिख गई यहाँ पे। तो यार इस बिल्डिंग से देखा जा रहा है इस टावर को, ठीक है ना, जो भी है टावर, ठीक है ना, इस बिल्डिंग से बच्चों इस टावर को देख रहे हैं और टावर को देखते वक्त, अच्छा 15 मीटर की इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, ठीक है ना, इस बिल्डिंग से टावर के टॉप पे देख रहे हैं और यहां पर देखने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है पता है कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। लेकिन यार ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा क्या? नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है हमारा हमेशा दो रे के बीच में। कौन सी दो रे के बीच में? एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है लाइन ऑफ साइट। तो सबसे पहले अगर आपको किसी हाइट पे चढ़ के एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना हो ना, तो सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, उसके बाद जाकर के एंगल ऑफ एलिवेशन बनाइए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात कोई भी? ठीक है, क्या किसको पढ़ा रहा हूं मैं पता नहीं। ये रही बिल्डिंग तुम्हारी, ये रहा टावर, यहां से देख रहे हैं टावर के टॉप पे कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री का, ठीक है यहां तक का। चलो ठीक है, बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है 15 मीटर। क्वेश्चन पढ़ लिया तुम लोगों ने? ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। चलो ठीक है, अब कह रहा है कि यार बताइए कि यार ये टावर की हाइट क्या होगी। अगर हम आपको एक कंडीशन और बता देते हैं, एक कंडीशन और ये दे रखी है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, कह रहे कि यार हम टॉप से तो टावर के टॉप पे देख ही रहे हैं, अब हम इस बिल्डिंग के बॉटम से भी टावर के टॉप पे देख रहे हैं, यहां से टावर के टॉप पे कुछ इस प्रकार, सबको दिखाई दे रहा है? तो यानी कि यार ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑब्जर्वर पॉइंट है और ये पॉइंट है एक ऑब्जेक्ट, यानी कि यार यहां पर देखा जा रहा है और दोनों ही पॉइंट से देख रहे हैं। और यहां से जब देख रहे हैं पता है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। यानी कि एक बार टॉप से देखा जा रहा है और एक बार बॉटम से। टॉप से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, बॉटम से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है। अच्छा एक चीज मेरे को और बतानी है इसमें, वह है ये कि हाँ ये बिल्डिंग की आपको तो हाइट बतानी ही बतानी है, लेकिन आपको पता है क्या बिल्डिंग की थोड़ी सी हाइट आपको पहले से पता है, कितनी है बताना जरा? 15 मीटर। ये 15 मीटर पहले से ही होगा क्या? सबको समझ में नहीं आया? ठीक है, तो भैया क्वेश्चन में फोकस करो, एक बार अपना पढ़ लो, एक बार देख लो क्या होता, समझ में आ जाए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो अपने आप भी। तो ये बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो 15 मीटर की, यानी कि यार ये वाला हाइट भी 15 मीटर होगा, तो ये बाकी का बचा हुआ कितना होगा बता सकते हो? अगर ये 15 मीटर होगा तो ये बाकी की हाइट कितनी रही होगी? तो ये बाकी की हाइट पता है कितनी रही होगी? h-15। अगर ये टोटल h होता है, इसमें से 15 हम हटा देते हैं, तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा? h-15। नहीं समझे बात को? पक्का क्लियर है? चलो ठीक है, आओ नाम देते हैं इसको। तो इसको नाम दे दिया हमने A, B, C, D और E। क्या सबको यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, अब हमको बोला गया कि यार हाइट पता लगाइए। अच्छा, हाइट के साथ एक चीज और पता लगानी है, कहता है कि यार ये बताइए बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस भी पता लगाना है और टावर की हाइट भी पता लगानी है, यानी कि हमको यहाँ पर दो काम करते हैं, ठीक है ना। आइए दोनों काम खत्म करते हैं। तो ये रहा टू फाइंड,
टू फाइंड, सबसे पहले हाइट पता लगानी है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर को हमने एच मान लिया है, ये हमको पता लगाना है। और दूसरी बात, हमको बिल्डिंग से लेकर के टावर के बीच का डिस्टेंस ही पता लगाना है। तो यहां पे मैंने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, पता होगा ऐसे तुमको, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, जिसको हमने एक्स मान लिया है और ये भी हमको पता लगाना है। क्या सबको यहां तक क्लियर हो गया? चलिए देखिए, अबे क्या भाई रिस्पॉन्स तो दो भाई, मैं कैसे समझू, तुमको समझ में आ रहे, क्वेश्चन पढ़ लिया तुम लोगों ने, अबे तो कुछ बोलो भाई, हाँ ना कुछ बोलो, हाँ समझ में आ गया भैया, नहीं समझ में आ गया भैया, हाँ तो एक बार डाउट बता दो, क्या हो गया, कोई दिक्कत वक्त है क्या भाई, बोलो भाई। अबे मेरे को टेंशन हो जाती भाई, पता नहीं मैं क्या ही बता देता तुमको कि ऊपर से चला गया, ओ भाई सब क्या हो गया ये सर, नहीं आ रहा तो बोलो, नहीं मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भाई कम से कम क्लास में रिस्पॉन्स दो, समझ में आया कि नहीं आया, कम से कम मेरे को पता तो लगे कि यार आगे वालों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है यहाँ तक का, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, कितने बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया बताओ पहले, ठीक है यहाँ तक चीजें समझ में आ गई तुमको, अबे तो हाँ या ना का जवाब दो कम से कम, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो कोई बात नहीं मैं ऐसे बकते रहूंगा फिर। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको दो तरह के राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दो तरह के राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारे, ये एक का नाम है ए बी ई और एक का नाम है ए सी डी, ठीक है ना, ए बी ई और ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी में पता है क्या होगा, सबसे पहले तो देखते हैं कि यार एंगल कितना बन रहा है, ट्रायंगल ए बी ई में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर 30 डिग्री का। अच्छा एंगल क्या आगे वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा h माइनस 15, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा h माइनस 15। अच्छा बेस कितना होगा इसका, तो देखो यार ये x है तो यार ऑब्वियसली ये भी कितना होगा x होगा, तो बेस भी हमारा कितना हो गया x। अब वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस दोनों का इस्तेमाल करता है, तो यानी कि tan 30 लिख सकते हैं ना, tan 30 परपेंडिकुलर 1 ओवर बेस, tan 30 मेरे ख्याल से तुमको पता होगा 1 ओवर रूट 3 होता है, ये हो जाएगा h माइनस में 15 अपॉन में कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा ये x बराबर में h माइनस में 15 इंटू में कितना रूट 3। देखो इसके आगे सॉल्व मत करो क्योंकि इसके आगे सॉल्व होगा भी नहीं, यहां पे क्लियर है ना, तो x निकल पाएगा ना तो h निकल पाएगा। और ध्यान रखिएगा एक बात का कि यार कभी भी अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होंगे। ये इक्वेशन पता है कहां से आई है, ये इक्वेशन आई है जब मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखा, तुमको पता है दूसरी इक्वेशन कब मिलेगी, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में देखने के बाद, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल पता है कौन सा है, ठीक है, ट्रायंगल का नाम है ए सी डी, एंगल कितना बन रहा है, यहां एंगल बनता है 60 डिग्री का, क्लियर है, एंगल के आगे परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ पर एच हो गया, ये पूरा एच है भाई, ठीक है ना, और बेस कितना हो गया फिर इसका, बेस हो गया इसका एक्स, सबको यहां तक क्लियर है, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि टेन थीटा अगेन, तो यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन 60 कितना होता है रूट 3, परपेंडिकुलर और बेस कितना हो गया एक्स। अच्छा यहां पर भी लिख सकते हैं ना कि यार एक्स बराबर में एच अपॉन में रूट 3, बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले आप h निकाल लो, x भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे पहले h निकाल लेंगे, क्लियर है तक का, आइए निकालते हैं। तो x बराबर में इसके भी आता है, x बराबर में इसके भी आता है, तो x बराबर में समथिंग, x बराबर में समथिंग, समथिंग बराबर समथिंग, क्लियर है कि नहीं है, आओ दोनों समथिंग को बराबर कर दे, लेकिन यार इन दोनों समथिंग को बराबर करने के लिए ना एक रेफरेंस भी डाल देना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बच्चों फर्स्ट से क्या पहली क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है कि एच माइनस का 15, एच माइनस 15 रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा सेकेंड के, सेकेंड में क्या लिखा हुआ है एच अपॉन में रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यार क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होंगे, 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 3 बनेगा, तो एच माइनस का 15 इंटू में 3, यहाँ पे क्या चल रहा है एच चल रहा है, तीन को दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं तो जाएगा 3h माइनस का 45 बराबर में h, एच वाले एक तरफ ले आओ बाकी नंबर को वहां भेज दो, कहां पे ले आएंगे एक तरफ, तो बड़ा वाला h जहां पर है ना सभी h को वहीं पे ले आओ, तो इसको यहां पे ले आए, तो 3h माइनस का h, ये माइनस का 45 वहां पे जाएगा प्लस का बन जाएगा, सबको क्लियर है यहां तक का, ठीक है,
बच्चों तीन एच में से एक एच चला गया, टू एच बराबर में कितना 45, तो फिर एच कितना आ गया, पॉइंट में नहीं, पॉइंट में नहीं रहने दो, 45 अपॉन में 2। तो बच्चों ये आ गई इसकी क्या हाइट, क्लियर है कि नहीं है। बाद में जब टाइम मिले तो अपना इसको डेसिमल में कर देना, वैसे कितना आएगा 22.5 आएगा, ये वाला 22.5 आएगा, लेकिन अभी रहने दीजिए, अभी इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, क्लियर है कि नहीं है। अभी हमको एक चीज और निकालनी है, दो चीजें पूछी गई थी हमसे, सबसे पहला तो हमसे पूछा गया था कि भैया बताइए बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, बिल्डिंग की हाइट निकाल ली हमने। दूसरा हमसे पूछा गया था कि यार ये जो बिल्डिंग और ये टावर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बिल्डिंग और टावर के बीच के डिस्टेंस को हमने माना कितना है एक्स, ये एक्स निकालना पड़ेगा। अच्छा ये एक्स कैसे निकालोगे आप, देखो दो तरीके हैं, या तो यहां पर पुट कर दो एक एच की वैल्यू, या तो यहां पर पुट कर दो। समझदारी कहां लग रही है बताओ, सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आ रहा है ना, पुट एच बराबर में 45 अपॉन में 2, कौन सी इक्वेशन में, इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है ये एक्स बराबर में एच ओवर रूट 3। बच्चों एच की यहां पर क्या लिखना चाहिए हमको, एच की जगह लिखना चाहिए 45 अपॉन में 2। ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 45 अपॉन में 2 रूट 3, क्लियर है कि नहीं है, ये 2 नीचे आ गया, सबको क्लियर हो यहां तक का, ठीक है। अब क्या ये आंसर ठीक है, क्या क्या इतना एक्सेप्टेबल है, मेरे ख्याल से यार इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यार देखो यार कुछ भी सही है लेकिन बस नीचे रूट ठीक नहीं है, नीचे कुछ भी आएगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन नीचे रूट नहीं आना चाहिए। तो रूट कैसे हटाओगे, रैशनलाइज करके, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, नीचे पता है क्या बनेगा, देखो ये रूट 3 और ये रूट 3 मिलकर के क्या हो जाएंगे, मिलकर के हो जाएंगे 3, यानी कि 2 इंटू में 3 चल रहा होगा, और ऊपर चलेगा 45 इंटू में रूट 3, कट सकता है क्या, अरे बिल्कुल कट सकता है, 3 से कितनी बारी में, 15 बारी में, और तो नहीं कटेगा क्या, है ना। तो x कितना आ गया 15 अपॉन में 2 रूट 3, तो ये आ गई तुम्हारी x की वैल्यू, क्या आपको समझ में आई बात यहां तक की, चलो ठीक है। अब एक काम करना, देखो इतना आंसर ठीक है, इतना आंसर मैच कर सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपना आंसर एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ देना चाहते हो, तो आप एक और काम कर सकते हो क्या, कि इनको क्या करो डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल में कन्वर्ट करने के साथ क्या होगा, इनविजिलेटर के आंसर शीट के साथ आपके आंसर की भी मैच हो जाएगी, यहाँ पे क्लियर कि नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार आपका इनविजिलेटर आपके आंसर को देखते वक्त एकदम ही मतलब रिलैक्स फील करे, एकदम ही मतलब कंफर्टेबल फील करे, तो एक चीज और कर सकते हो उसमें, पता है क्या, लास्ट में एक लाइन ऐड कर देना, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 45/2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज 15/2√3, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है। इससे आंसर एकदम क्लीन होता है और एकदम मतलब आगे लेके समझ में आ भी जाता है, बात समझ में आई कि नहीं। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इस चैप्टर में करना है, ऐसा किसी में भी कर सकते हो, किसी भी चैप्टर के लिए, क्लियर हो यहाँ तक की बात सबको, करिए फटाफट से कॉपी, कोई डाउट है तो लेकिन बता देना, पेपर चल रहा है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की बारी आ गई, देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, अच्छा एक चीज यार गलत हो गई यहां पर, पता है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, हिल के बाद एट लिखा है ना, एट काट करके वहां पे फ्रॉम लिख दीजिए, हिल के बाद एट लिखा है ना, एट, एट काट करके फ्रॉम लिख दीजिए, लिख दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, एक तरह का हिल है, हिल मतलब पता है सबको क्या होता है, चलो ठीक है, एक तरह का एक पहाड़ है, ठीक है ना, उसको देखा जा रहा है कहां से, टावर के बॉटम से देखा, टावर के फुट से देखा जा रहा है, टावर का फुट या फिर टावर का बॉटम, उसके निचले हिस्से की बात बारे होती है, तो टावर के फुट से हिल के टॉप पे देख रहे तो एंगल बनता है 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, और अब टावर के टॉप पे देख रहे हैं हिल के फुट से, तब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। कहता है कि अगर हम आपको बता दें कि जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर की है, तो बताइए हिल की हाइट कितनी होगी। तो देखिए यार दोबारा से वही सेम टू सेम चीज है, यह है ग्राउंड तुम्हारा, तो एक जगह तो यार तुम्हारा ये टावर लगा हुआ है और एक जगह है तुम्हारा ये पहाड़, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो एक जगह तुम्हारा ये हिल है और एक जगह तुम्हारा ये टावर। एक बार टावर के फुट से, बहुत ध्यान से समझिएगा,
टावर के फुट से कहां देखा जा रहा है, हिल के टॉप पे। टावर के फुट से हिल के टॉप पे देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऑब्वियसली, नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री का। सबको क्लियर है कि नहीं आया तक का? और अब हिल के फुट से टावर के टॉप पे देख रहे हैं, यहां पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अब कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। क्वेश्चन बोलता है कि यार अगर हम आपको ये बता देते हैं कि टावर की हाइट कितनी है, 50 मीटर की। टावर की हाइट अगर 50 मीटर की है तो आप ये बताइए हमको कि हिल की हाइट कितनी होगी। क्या मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को एक्स मान लूं, जैसे पिछली बार करते हुए आए थे? अब इसको नाम दे दो आप लोग, ए बी सी और डी। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे बच्चों? कर लोगे? आसान है ये वाला, फिगर बनने की देर होती है बस यार, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। कर लोगे बताओ, पक्का? तो ठीक है यार, आओ एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये पक्का कर दो ना, मिटा रहा हूं इसको, मिटाऊंगा, देख लो थोड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसकी फिगर बना के दिखाइए सारे बच्चे अपनी कॉपी में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 फिगर बना के दिखाओ इसकी। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? ठीक है, अरे नहीं, जो पढ़ने के लिए दिया तुमको। उन्नीस है ना, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 सभी बच्चों की। अच्छा देखो यार, मैं दोबारा बोल रहा हूँ यार, इस चैप्टर में बस फिगर बनानी है, फिगर बनने के बाद पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तुमको पता नहीं क्या करना पड़ता है, एंगल देखो, परपेंडिकुलर, बेस, काम खत्म, था आंसर, यही तो होता है। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, कह रहे यार दो पोल हैं बराबर बराबर हाइट के, ठीक है ना, आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट साइड, अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो यार ये हो गया तुम्हारा रोड, सबको दिखाई दे रहा है? कह रहा है रोड के दोनों तरफ ना भैया पोल लगा रखे हैं, होते नहीं है पोल लाइट वाले, हाँ जो भी है, तो रोड के दोनों तरफ ना ऐसे खंबे लगा रखे हैं, जो भी है लाइट वाले खंबे, जो भी खंबे बोल लो लगा रखे हैं, क्लियर है तक का? अब इसी रोड के बीच में कहीं पर भी, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ठीक है ना यार। तुमको मैंने एक बात और बताई थी ना, यार आप जितने पास किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हो और अगर आप उसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके आपके पर्सपेक्टिव से वो एंगल बढ़ता रहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे एंगल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे दूर जाते रहोगे एंगल घटता रहेगा। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? और क्योंकि यार ये दोनों के दोनों जो पोल है ना एकदम रोड के अगल बगल लगे हुए, एक इधर लगा हुआ तो एक इधर लगा हुआ है। अब ये बताइए कि जो ऑब्जर्वर है क्या वो एकदम बीच में खड़ा होगा या फिर किसी पोल के ज्यादा नजदीक होगा या फिर किसी पोल से ज्यादा दूर? बताना क्या होगा इसमें, किसी पोल से ज्यादा करीब रहा होगा? यहाँ तो क्लियर है, अगर वो बिल्कुल बीच में खड़ा होता ना, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो ऑब्जर्वर अगर एकदम पोलों के बीच में खड़ा होता पता है क्या होता, तब दोनों तरफ दिखने वाले जो एंगल होते वो 60 और 30 नहीं होते, तब 45-45 डिग्री होते, या बराबर बराबर एंगल बन रहे होते। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन इस बार बराबर बराबर एंगल नहीं बन रहा है, इस बार बन रहा है कितना, 60 और 30, यानी कि वो एक पोल के थोड़ा ज्यादा करीब है और दूसरे से थोड़ा दूर है, तो जिस पोल के वो ज्यादा करीब है ना वहां पर वो बड़ा एंगल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यहाँ पर बड़ा एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का, और जिस पोल से वो दूर है वहां पर छोटा एंगल बनेगा, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। क्या सबको यहां तक समझ में आ गई बात, नहीं समझे बात को? ठीक है, तो ये भी 90 और ये भी 90। कमाल की बात ये कि यार इन दोनों पोल की हाइट ना बराबर है, तो अगर आप इसकी हाइट h मानते हो तो ऑटोमेटिकली इसकी हाइट पता है कितनी होगी, h होगी। क्या सबको यहां तक क्लियर है? अच्छा एक और बात बताऊं, एक और बात है ये कि यार ये रोड की चौड़ाई भी दे रखी है, पता है कितनी है, 80 मीटर की इसकी चौड़ाई है। सबको यहां तक समझ में आ गया है? ठीक है, अब आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है यहाँ पर ये कुछ निम्नलिखित चीजें, तो ए बी सी डी एंड ई, चलो इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ठीक है ना। हमको यहाँ पर सबसे पहले निकालना है ये कौन सा क्वेश्चन है, 19। तो टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना, तो सबसे पहला जो हमको फाइंड करना है वो है ये कि पोल की हाइट क्या होगी, और दूसरे नंबर पे हमको पता करना है ये कि यार ये जो पॉइंट है ना ये दोनों पोल से कितनी कितनी दूरी पर है। अच्छा यहां से कितनी दूरी पर है ये, बीपी, यहां से कितनी दूरी पर है ये, पीडी,
तो आपको यहाँ पर बीपी भी पता लगाना है और पीडी भी पता लगाना है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा कैसे करेंगे वो भी समझ लो। अगर मैं B से लेकर के P की वैल्यू को जो भी आने वाली है हमें नहीं पता, अगर मैं X मान लेता हूं तो बताना ये बाकी का कितना होगा? 80 माइनस X होगा, ये पूरा 80 है, X हटा दो तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा तुम्हारा? 80 माइनस में X। क्या सबको यहां तक क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है, अपना कर पाओगे या करा के दिखाऊं? करा दूं? चलो ठीक है कराता हूं। सॉल्यूशन तो कौन से ट्रायंगल में देखना चाहिए पहले? इसमें देख लो या उसमें देख लो? इसमें देखते हैं। चलो आ जाओ, ट्रायंगल का नाम है क्या? ए बी पी। बच्चों एंगल कितना बन रहा है इसके अंदर? 60 डिग्री का एंगल। क्या आगे वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है इसके? इसमें एच, और बेस कौन है इसमें? एक्स। तो परपेंडिकुलर और ये बेस किसका इस्तेमाल करना चाहिए? टेन का। टेन 60 डिग्री बराबर पी अपॉन में बी। टेन 60 कितना होता है? ना, सही गलत होता है तुमने। बी कितना है यहाँ पर? एक्स। सबको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अच्छा आप चाहो तो यहाँ पर इसको और सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अरे यहाँ ना तो यहाँ पर एक्स निकलेगा ना तो यहाँ पर एच निकलेगा, बस ये एक इक्वेशन बन के रह जाएगी। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फुल स्टॉप पे कॉमा पे डाल दो, बाकी यहां से कंटिन्यू करते हैं दूसरे ट्रायंगल में। दूसरे ट्रायंगल का नाम पता है क्या है? दूसरे ट्रायंगल का नाम है पी डी ई। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूं, बस आपको अपने दिमाग में यह डालना पड़ेगा कि यार आप पहले हाइट निकालना चाह रहे हो या फिर आप पहले एक्स निकालना चाह रहे हो। मेरे ख्याल से यार पहले हाइट निकालना ज्यादा सही रहेगा, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, अगर आपको पहले हाइट ही निकालनी है ना, अगर आपको यहां पर पहले हाइट की ही वैल्यू निकालनी है तो आप यहां पर पहले एक्स निकाल लो। तो एक्स पता है कितना आएगा? एच अपॉन में रूट तीन। वैल्यू तो नहीं आएगी लेकिन एक तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया तक का? कॉपी करने में लगे पड़े। एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना बनेगा? तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा एच, और बेस क्या होगा? 80 माइनस एक्स। क्लियर है कि नहीं है? तो टेन 30 कितना होगा बच्चों? अरे यहाँ पर पी अपॉन बी। टेन 30 कितना होता है? 1 अपॉन में रूट 3। परपेंडिकुलर कितना होगा? एच। बेस कितना होगा? टेन के लिए तो अब याद हो ही गई होगी तुमको, अगर तुमने क्वेश्चन ठीक ठाक कर लिए हैं तो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यार 80 माइनस एक्स जो है वो एच रूट 3 के बराबर आएगा। या फिर बोल सकते हैं ऐसा कि यार दोनों तरफ से अगर मेरे को हाइट निकालनी है तो एक्स को हटाना पड़ेगा। याद है तुमको पिछली बार बताया था, अगर आपको सिर्फ हाइट की ही वैल्यू निकालनी है ना तो आपको दोनों तरफ से ना एच को हटाना पड़ेगा। अब एच कैसे हटेगा पता है? एच की वैल्यू निकाल करके, कुछ ऐसे करके कि यहां से एच निकाल लो, यहां से भी एच निकालो, फिर दोनों वैल्यू को क्या कर दो? कंपेयर कर दो। ऐसे कर पाओगे? यहां पर लिख दिया मैंने 80, माइनस वाले को वहां भेज दिया और एच माइनस एच रूट थ्री को यहां ले आया, बराबर में आ गया एक्स। क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझे बात को? एक्स को वहां ले गया, बराबर में इसको भेज दिया। अब ये भी एक्स की वैल्यू है और ये भी एक्स की वैल्यू है। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं समझे? इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लीजिए। अब सॉल्व करिए इसको, अपने आप करके दिखाओ और एक्स और एच दोनों की वैल्यू बताओ फटाफट से, जल्दी करना। अरे हुआ तुमसे? करा के दिखाऊं पूरा? हो गया? अच्छा एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आओ मैं करके दिखा देता हूँ। यहां तक सबको क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है। यार सुनो यार, तुमको मैं फिगर बनानी सीखनी पड़ी यार, फिगर बनाना सीखो पहले। फिगर बनने की तो यार ये तो तुमसे हो ही जा रहा है, नहीं समझे? फिगर बन के तो यार ये लगाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, ये तो आराम से हो जाएगा। फिगर बनाना मेन इंपॉर्टेंट है। एक बार सॉल्व करा देता हूँ, देखते हैं। तो ये इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इक्वेट करिए तो क्या होगा? एच अपॉन में रूट तीन किसके बराबर होगा? 80 माइनस में एच अपॉन में रूट तीन। क्या करें बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या ही करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा तुम्हारा 80 रूट 3, और रूट 3 को इससे करेंगे तो कितना आएगा? 3H आएगा, है ना? अच्छा 3H को यहाँ ले आओ, वही तो लिखा है, 3H को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा H प्लस में 3H बराबर में 80 रूट 3। ये मिलकर कितना हो जाएगा? 4H बराबर में 80 रूट 3। अच्छा 4 से 80 कितनी बारी में? 20 बारी में। तो H कितना आ गया? 20 रूट 3। क्या सबकी हाइट यही आई है? चलो ठीक है। क्या सबने X की वैल्यू निकाली? X की वैल्यू कितनी आई है? हाँ, तो एक काम करते हैं, H निकाल के यहाँ पुट कर देंगे
तो एक्स निकल जाएगा। तो पहले तो यहां पर लिखा था एच अपॉन रूट थ्री, लेकिन जैसे हम यहां पर एच के लिए पुट करेंगे क्या हो जाएगा, ये 20 रूट थ्री अपॉन में कितना रूट थ्री, ये कट जाएगा ये वाला, और एक्स कितना आएगा तुम्हारे पास 20। अब एक्स पता है क्यों निकालना था, क्योंकि हमको ना ये पॉइंट दोनों पोल से कितनी दूरी पर है वो भी तो निकालने थे ना, तो बीपी पता लग गया, यानी कि इस पोल से कितनी दूरी पर है वो 20 मीटर की दूरी पर, तो इस पोल से कितनी दूरी पर रहा होगा वो। वैसे दिमाग लगाया जा सकता है कि अगर यहां से 20 है पूरा 80 है तो 60 ही रहा होगा भैया, ठीक है ना, या फिर अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये रहा पहले तो बीपी लिख देते हैं हम लोग 20, उसके बाद पीडी लिख देते हैं हम लोग, पीडी कितना आएगा तुम्हारा 80 माइनस में 20 दैट इज 60 मीटर। क्या सबको यहां तक क्लियर है? ठीक है, और एक और चीज यार, अपने आंसर को और अच्छा दिखाने के लिए एंड में कुछ वर्ड जोड़ सकते हो, क्या वर्ड जोड़ सकते हो, हेंस the height of the poles are कितना 20 root 3 and the distance of the point from both the pole is 20 meter and 60 meter respectively। ये लिख के दिखा दो, ये लिख पाओगे, लिख के दिखाऊं, चलो लिखो फिर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 फिगर बनाओ भाई, और क्या फिगर ही तो बनानी है, और क्या करना ही क्या है, फिगर बन के तो क्वेश्चन तो खत्म ही है। क्वेश्चन नंबर 20 भैया फिगर बनाइए, बनाओ, देखता हूं किसकी फिगर अच्छी है, ये ले भाई तू ही बना। क्वेश्चन नंबर 20